बच्चों को अगर वेजिटेबल्स खिलाना है तो कैसे खिलाएं? मम्मियों का सबसे बड़ा सरदर्द कि बच्चे वेजिटेबल्स खाते नहीं है, तो आज हम बनाते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ हक्का नूडल्स, क्योंकि नूडल्स बच्चों के फेवरेट होते हैं और उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दो तो बच्चे फटाक से खा लेते हैं। पैकेट में जो बाजार में हक्का नूडल्स मिलते हैं ना, वही वाले नूडल्स है जिसको मैंने बॉइल कर लिया है। पैकेज पे सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, बस उस हिसाब से ही बॉईल किया है और उसके बाद ठंडे पानी से हमने धो के थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया है। तो ये बॉइल्ड हक्का नूडल्स मेरे पास रेडी है। तो मैं पैन में ये डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ये ऑयल में डालने वाली हूँ ये फाइनली चॉप गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम डालेंगे जिंजर। मुझे जिंजर अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को जिंजर अच्छा नहीं लगेगा तो आप जिंजर अवॉइड भी कर सकते हैं। चाइनीज़ में है ना, ये अदरक लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी अच्छा देती है। डाल देते हैं सारी सब्जियाँ। ये मेरे पास गाजर है, मैं वो डाल देती हूँ। बच्चों को अगर सब्जियाँ खिलानी है ना तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि नूडल्स में, जो कि उनकी फेवरेट कोई भी डिश होती है ना, जैसे नूडल्स है, कभी कभी चीट करने के लिए पिज्ज़ा में भी हम कुछ अंदर ऐड कर देते हैं जो बच्चे खाते नहीं है, तो बच्चे पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स है और फटाक से खा भी लेते हैं। बस इसको मुझे बहुत ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। बस 2 मिनट हम गाजर को पकने देंगे, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये बेल पेपर्स है मेरे पास। आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, पर मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैंने सोचा यही मैं डाल देती हूँ। तो ये गए बेल पेपर्स। ये फ्रेंच बीन्स है, ये भी डाल देते हैं। और अब डालेंगे सारे सॉसेस इसके अंदर। ये सोया सॉस है, 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। और इसके साथ हम डाल देते हैं विनेगर। ये मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही विनेगर डालूंगी, वरना ये बहुत खट्टा हो जाएगा। हाँ, पे ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, पर इससे बहुत अच्छा टैंग आता है जो है टमेटो केचप। ट्रस्ट मी, एक बार आप टमेटो केचप डाला हुआ हक्का नूडल्स खाओगे ना तो हमेशा डालोगे इसको। तो ये गया टमेटो केचप। और लास्ट में मैं डालूंगी नमक। अब नमक हम है ना यहाँ पे बहुत ही कम डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस, टमेटो केचप सब में बहुत ही ज़्यादा नमक होता है, तो मैं थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करूंगी और इसको मिला लेते हैं। सब्जी अब बहुत अच्छे से पक चुकी है, मतलब ये ओवर कुक भी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी सी टेंडर हो गई है। बस यही टाइम पे मैं डाल देती हूँ ये नूडल्स इसके अंदर और नूडल्स को मिक्स कर लेते हैं। चलिए, नूडल्स बन चुके हैं। बस लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये स्प्रिंग अनियन, मिक्स कर देते हैं। और नूडल्स का मज़ा तो भाई गर्मा गर्म खाने में ही है, तो फटाफट से इसको ले लेते हैं सर्विंग प्लेट पे। इसके ऊपर कुछ और स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं और लीजिए तैयार। ये लीजिए गर्मा गर्म हक्का नूडल्स रेडी आपके लिए।